अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। जब मदारिस की जांच हो चुकी है, जाँच होने के बाद भी पेमेंट क्यों नहीं आया, तो इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि हर दिन यानी कि रोज़ाना पेपर में कुछ ना कुछ मदारिस से रिलेटेड जो है अपडेट निकल कर आती है। एक अपडेट फिर से निकल कर आई है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे बगल में लगाया हूँ। यानी कि मदारिस के शिक्षकों का ये कहना है कि जब मदारिस की जाँच हो गई, जांच होने के बाद भी पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। मुझे पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज भी आता है कि मोहम्मद भाई पेमेंट कब आएगा, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा, पेमेंट ना आने की वजह क्या, क्या नीतीश कुमार हैं या पटना हाई कोर्ट है या कोई और है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए आपको पता है कि आपका जो मामला है वो पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, और आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि सभी मदारिस की जांच होगी। और आपको पता है कि कुछ मदारिस ऐसे हैं जिनकी जांच हो चुकी है, यानी कि लगभग 80% मदारिस की जांच हो चुकी है। 20% ऐसे मदारिस हैं जिन मदारिस की अभी तक जांच नहीं हुई है। तो देखिए, आपको पता है कि पैसा ना आने की वजह जो है नीतीश कुमार साहब हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मदारिस के असातिज़ा किराम का पेमेंट को जारी कर दिया जाए, बट फिर भी पेमेंट ना आना, ये कोई और या फिर ये कोई और लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार साहब चाहते तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट को जारी कर दिया जाता। देखिए, ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जितने भी मदारिस के असातिज़ा किराम है, 4 तारीख को आप सभी को हर हालत में पटना पहुंचना है। क्योंकि 4 नवंबर को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, क्योंकि रोज़ाना आपको पेपर के ज़रिए कुछ ना कुछ अपडेट ज़रूर मिल रही है। और आपको पता है कि मैं भी इसी टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो लाता हूँ मदारिस से ही रिलेटेड, तो आपको तो अपडेट मिल जा रही है, बट आपका जो मसाइल जो चल रहा वो मसाइल हल नहीं हो रहा। 4 नवंबर को जाइएगा, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि आपका जो मसाइल है, आपका जो मसला चल रहा उसे जल्द से जल्द जो है हल किया जाएगा। क्योंकि पेमेंट ना आने की वजह कोई और नहीं है, ना तो पटना हाई कोर्ट है या फिर मैं और किसी को कहूँगा, गलती मैं ठहराऊँगा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार साहब की। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये मदारिस के शिक्षकों की हालत ऐसी नहीं होती जैसी अभी हालत चल रही है। आपको पता है कि हालत जो है बद से बदतर चल रही है, शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक दर दर भटक रहे हैं, काफ़ी सालों से पेमेंट नहीं मिल रही है। पेमेंट ना मिलने की वजह, जब मदारिस की जांच हो गई तो सरकार को चाहिए कि उन मदारिस का पेमेंट पे कर दें। हाँ, जिन मदारिस की जांच नहीं हुई है उनकी जांच करवाएं, अगर मदारिस में गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो आप उसको सही करें, उसके बाद पेमेंट जारी करें। बट जब मदारिस की जांच हुई और वो सब मदारिस में एक भी गड़बड़ियाँ नहीं पाई गई, मदारिस में रूम भी था, मदारिस में बिल्डिंग भी थी, और मदारिस में आपको पता है कि टॉयलेट से लेके प्ले ग्राउंड तक था, यानी कि मुकम्मल मदारिस को बनाया गया था, अच्छे तरीके से पढ़ाई भी जारी की जा रही थी, और आपको पता है कि अधिकारी जब आए तो सही तरीके से चेक भी किया, कोई गड़बड़ी नहीं निकली, फिर भी उन मदारिस का जो पेमेंट है वो नहीं आ रहा, वजह नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो अब तक आ जाता। तो देखिए, सभी से फिर से मैं एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ कि 4 तारीख को एक बड़ी मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में बड़े पैमाने पर असातिज़ा किराम जो है पहुँच रहे हैं। मीटिंग तो आपको पता है कि इसी मंथ होनी थी, बट फेस्टिवल की वजह से, छठ पूजा की वजह से इसको डिले किया गया, यानी कि डेट को एक्सटेंड करके 4 नवंबर किया गया। तो आप सभी भाई, जितने भी हमारे भाई हैं, जल्दी से वहाँ 4 नवंबर को आप पहुँचें और अपने हक के लिए सरकार से मांग रखें, इंशाल्लाह आपका हक ज़रूर मिलेगा। तो ये थी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट निकल कर आती है
मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना असातिज़ा किराम पटना पहुँचेंगे। और अगर आप शेयर करते हैं और ज़्यादा असातिज़ा किराम पटना पहुँचते हैं तो ये किसी और को फ़ायदा नहीं होगा, ये फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ आपको होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा असातिज़ा पहुँचेंगे उतना जल्द इम्कान होगा कि आपका जो है पेमेंट को जारी किया जाए। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।